क्या ईद की नमाज औरतों पर फर्ज है? ईद की नमाज तो मर्दों पर भी फर्ज कोई नहीं है, औरतों को कहां से फर्ज होगी, एक मुसलमानों की डेमोन्स्ट्रेशन है। ये ठीक है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औरतें मखसूस अय्याम से हैं उनको भी लेके जाओ ताकि मुसलमानों की दुआओं में वो शामिल हो, मुसलमानों की स्ट्रेंथ शो हो। तो ये तरगीब दिलाने की हद तक है, फर्जियत के नहीं है। ईद की नमाज सिर्फ हनफी कहते हैं वाजिब है, बाकी सबके नजदीक सुन्नत है। अगर ये हनफियों से अगर वाजिब है तो जिसकी छूट जाए तो वो कजा अदा करेगा, वो कहते हैं नहीं कजा कोई नहीं करेगा। हालांकि जुम्मे की कजा ये करवाते हैं जोर की शक्ल में, ईद की कजा नहीं करवाते। इमाम बुखारी का अपना मौकिफ है कि दो रखते पढ़ लीजिए अगर किसी की ईद की नमाज रह जाए तो। खैर ये भी वो तफरुद का शिकार है इस मसले में। तो हनफी तो कहते हैं जी अगरचे मानदीक वाजिब है लेकिन चूंकि जमात के साथ वाजिब थी, अगर किसी की रहेगी बस तौबा कर ले काफी है भाई। अगर वाजिब थी तो इसकी कजा होनी चाहिए। आप फितर को वाजिब कहते हैं उसकी कजा करवाते हैं, फजर की दो सुन्नतों को करीबुल वाजिब कहते हैं उनकी कजा करवाते हैं, तो ईद की क्यों नहीं करवाते? तो वाजिब कोई नहीं है।